यूपी के मथुरा में मथुरा कोर्ट के सामने एक युवक और युवती ने जमकर हंगामा काटा। युवक के एक हाथ में रिवॉल्वर तो दूसरे में तमंचा। वो कभी प्रदेश सरकार को मुर्दाबाद बोलता तो कभी केंद्र सरकार की हाय हाय करता और फिर पुलिस प्रशासनिक अफसरों को खूब कोसता हुआ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाता रहा। इतना ही नहीं, गुस्सा दिखाता युवक बीच बीच में फायरिंग भी करता रहा और फिर जब पुलिस वाले दौड़े तो उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर भागने को मजबूर कर दिया। ये पूरा नजारा मथुरा आगरा मार्ग पर एसएसपी ऑफिस के सामने का था, जहां सिविल लाइंस पुलिस चौकी पर एक कार आके रुकी। कार से एक युवक और महिला और दो बच्चे नीचे उतरे। इसी बीच युवक ने कार में आग लगा दी। कुछ ही देर बाद कार आग का गोला बन गई। ये पूरा ड्रामा घंटे भर तक चला। हालांकि बाद में पुलिस और अधिवक्ताओं ने मिलकर युवक को कब्जे में कर लिया। ये घटना के अंदर पूरी तरह ये भी निकल के आई है कि सुनियोजित तरीके से एक घटनाक्रम जो है शिवम चौधरी नाम के व्यक्ति ने अपने महिला मित्र के साथ क्रिएट किया था। और ये जो है जो जानकारी हुई है कि ये जो शिवम चौधरी की परसों शादी टूट गई थी और उसका कारण ये निकल के आया कि जो उनके साथ महिला जो रहती है वो मैरिज है और उनका भी अपने घर से पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा है। उनके घर वालों के द्वारा ये सूचना जहाँ पर शिवम की शादी हो रही थी वहाँ पर ली गई और प्रथम दृष्टया ये निकल के आया कि उनके द्वारा तस्दीक किया गया। तस्दीक के बाद उनके द्वारा शादी से इनकार कर दिया गया। कल उसके द्वारा ये ड्रामा क्रिएट किया गया था। अपने घर वालों को भी सूचना दी गई कि मैं इस तरीके से गाऊंगा ताकि इसको माइलेज मिले, हाईलाइट हो और उसके बाद पब्लिक की सहानुभूति इत्यादि चीजें मिलने के बाद में जो है ये घर वालों को फोन करके कि इसके बाद में आप इस घटना के अंदर दूसरे दूसरे लोगों को जिनसे उनका पारिवारिक जो चल रहा था उनको नियुक्त कर दें। ये चीज उनकी कोर्ट रिकॉर्डिंग्स के अंदर भी आई है और घर वालों का भी प्रथम दृष्टया है कि उनको भी जानकारी थी, उनका कंसेंट था इस पूरी घटनाक्रम में और फर्दर एविडेंस आने के उनके खिलाफ भी उनकी कार्रवाई की गई। कल के घटनाक्रम के अंदर दोनों जो महिला और पुरुष हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सुसंगत धाराओं के अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया। 307 सेवन से पहले आए काम से विद्यालय धाराओं के अंदर अभियोग पंजीकृत करके बाकी विधिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। 4:45 के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम चौधरी अभी तक पता लगा है ये आया। इसने कुछ लोगों को पूर्व में यहाँ सूचित किया कर रखा था और आके इसने अपनी गाड़ी में आग लगा दी। इसके साथ एक महिला आई थी और महिला के पास भी अवैध हथियार था, इसके पास भी अवैध हथियार था और उसके बाद गाड़ी में आग लगाने के बाद इसने कुछ हवाई फायरिंग भी करी। मौके पर सभी लोग पहुंचे, मैं भी वहां पर पहुंचा। सभी लोगों ने जो है स्थिति को कंट्रोल किया। जो अभी तक की चीजें निकल के आई हैं इनका पारिवारिक विवाद निकल के आ रहा है। पहले इन्होंने बताया महिला इनकी वाइफ है, बाद में बताया बहन है और अब जो चीज़ निकल के आ रही है ये पता चल रहा है कि महिला बता रही कि मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ और इन्हीं संबंधों को किसी कारणों को लेकर कल इनकी शादी टूट गई थी। जो चीज़ प्रकाश में आई है उसी से खिन्न होके या उसी चीज़ से आक्रोशित होके आज इसने इस तरह की चीज़ करी है जो कि पूरी तरह पारिवारिक चीज़ों को लेकर है। इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई कराई जा रही है और जो इस तरह का एक्ट है उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि शुभम चौधरी नामक इस शख्स ने अपनी बीवी बच्चों के साथ किसी विवाद के कारण कार में आग लगा दी और फिर फायरिंग करने लगा। इसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया, लोग अपनी जान बचाने को इधर उधर भागने लगे। घंटे भर चले इस फिल्मी ड्रामे के बाद पुलिस ने पति और पत्नी को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।